हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेथड फिफ्थ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशियंट अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड नो प्रोडक्ट्स ऑफ वाई एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशियंट। ओके, तो जो इस टाइप की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एंड जिसका अपोजिट होता है अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप की फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है उन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पी एंड क्यू है, जो ये वाला पी है एंड ये जो ये वाला क्यू है, ये दोनों जो फंक्शन होते हैं वो एक्स के होते हैं। ओके, एंड ये सिंपल से इसका वर्किंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। इस स्टेप में हमें इसका आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, जो कि होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। ये जो पी होता है, ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है वही वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एंड देन हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ऐसा करके हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। एंड सेकेंड स्टेप होता है इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एंड उसके मल्टीपल में हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इनटू क्यू, ये जो ये वाला जो हमारा क्यू था, ये जो ये वाला क्यू, इनटू डीएक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ओके, तो जैसे इसकी फॉर्म यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई है, तो यहाँ पे y हो गया। एंड अगर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, तो यहाँ पर हम x ले लेंगे, वो तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। ठीक है, तो यहां से हो गया ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो ये वाला था, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस टाइप से ये जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं जो इस क्वेश्चन की फॉर्म है वो हमारी यहां से इसकी फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये जो क्वेश्चन हमारा गिवन है इसकी जो फॉर्म है वो इस टाइप से है कुछ। तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से p इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड यहां से हमें q मिल जाएगा, ये जो ये वाली वैल्यू है यहां से हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये इसकी वर्किंग में टू स्टेप थे, पहले हमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना होता है। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड, तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो यहां से ई एंड ये जो ये पी की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे जान प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर देंगे एंड अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहां से हो जाएगा टू एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू डी टी, एंड ये जो टू एक्स डीएक्स है ये हमारा डी टी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जो हमारा टू एक्स डीएक्स है इसकी जगह पर हम यहाँ पे डी टी पुट कर देंगे एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम यहां से टी पुट कर देंगे। तो यहां से हमारा हो जाएगा e टू दी पावर log t एंड यहां पे हमारा बेस होता है एंड जब यहां पे e है एंड यहां पे जो हमारा यहां बेस में e होता है तो यहां से हमारा बचता है सिंपली t। तो ये t की वैल्यू हमने यहां से पुट करके रखी है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड हमारा सेकेंड स्टेप था, यहां से हमने, अब देखिए यहां से हमने ये फाइंड, ये यहां से हमने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया है। एंड अब हमें अपना सेकेंड स्टेप
स्टार्ट करने, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा यहां से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई है, तो हो जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एंड इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस, यहां पे हम कांस्टेंट की जगह सी जोड़ देंगे, तो यहां से वाई एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमने पहले यहां पे फाइंड कर लिया था, ये हो गया हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहां से हम क्यू की वैल्यू, ये जो हमने ये क्यू की वैल्यू यहां पे पुट करके रखी है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली क्यू की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां से हमारा ये हो जाता है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी एंड यहां से वन प्लस एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड यहां से हमारा हो जाएगा वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो इस तरीके से ये वाला इसका फाइनल आंसर हो गया। अब जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस ब्राइकेट एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई ब्राइकेट क्लोज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, इसको हम इधर रख लेंगे एंड ये जो हमारा वन प्लस वाई स्क्वायर वाला पोर्शन है इस पोर्शन को हम जीरो के इधर भेज देंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स y डी वे अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर एंड यहां से ये जो ये वाला स्टेप है इसको इसके अपॉन में भेज देंगे, तो यहां से हमें डी वे अपॉन डी एक्स मिल जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा डी वे अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड ये जो माइनस है इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस पावर माइनस टेन इनवर्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, यहां से हमें ये मिल जाएगा। ओके एंड अब हम क्या करेंगे, इस वाला जो ये वाला पोर्शन है इसको हम इधर ले आएंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहां से हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी यहां से फॉर्म ये वाली बन जाती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। यहां पे बस ये हुआ है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो एक्स हो गया है एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो वाई था। हम यहां से पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहां पे पी इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड यहां पे हमें क्यू मिल जाएगा सिंपली क्यू इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ओके एंड हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे जैसा कि हमें अपने फर्स्ट स्टेप में करना होता है, तो ये हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ ई टू दी पावर पी एंड यहां पे हो जाएगा डी वाई इंटीग्रेशन का साइन, तो यहां से हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन एंड इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ये हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स
वाई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है 1/1 + y² इंटीग्रेशन dy, तो ये हमारा हो जाता है tan इनवर्स y का। तो यहां से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। एंड अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड यहां पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो यहां पे हम लिख लेंगे एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टर्म हमारा हो जाएगा यहां पे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू डी वाई प्लस सी। ओके, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स। एंड यहां से हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो हमारा था ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। एंड क्यू की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, ये हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 + y² एंड डी वाई प्लस सी। यहां पे हमारा e टू दी पावर 10 इनवर्स y से e टू दी पावर माइनस 10 इनवर्स y वाला ये वाला टर्म जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो जब e टू दी पावर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे बचेगा हमारा x इंटू ई टू दी पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 + y² प्लस सी। तो यहां से बच जाएगा x इंटू ई टू दी पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है 10 का, तो 10 इनवर्स y प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर।